Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, smashers. I'm Joseph Masool. Back in action. Zara scene from the center. Kuch is tarah ke dukh ke saath kehna pad raha hai ki coronavirus finally attacked Pakistan and almost 195 to 196 cases has been reported till now. लेकिन अब दुआ तो बस हम तो दुआ कर सकते हैं और दुआ मेरी यही है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो जो अफेक्टेड है उन्हें अल्लाह जल्द से अत्याप फरमाए. आमीन सुम आमीन. सेकेंडली एज यू नो कि पहले ही हमारा डॉलर 158 पे स्क्रैम्बल कर रहा था और ऊपर से कोरोना साहब भी तशरीफ ले आए हैं अपनी, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे दुकानदारों ने भाई साहब हवा में परवाज करवा दिए हैं सारे के सारे प्राइजेस. तब इसके अंदर इस सिचुएशन में ऐसी कौन से बजट ग्राफिक कार्ड हैं 10,000 के अंदर कि जो आपके एक पीसी के लिए बेस्ट रहेंगे कि हर गेम ऑलमोस्ट अराउंड 60 FPS मीडियम टू हाई सेटिंग्स के ऊपर क्वाइट इजीली चल जाए. सो आई एम जस्ट रनर्स विल टेलिंग यू 5 टॉप कार्ड्स ऑफ 2020. सो लेट्स बिगिन. ग्राफिक्स कार्ड की लिस्ट का आगाज मैं करूंगा अपने नेशनल कार्ड के साथ GTX 750 Ti के साथ, जो कि आता है 2GB वेरिएंट के साथ 128 बिट्स और GDDR5. पावर कंजप्शन की बात की जाए तो PSU 300 वाट्स का इसके लिए इनफ होता है और ये ऑलमोस्ट अराउंड आपको मार्केट के अंदर 8000 रुपीस में मिल जाता है. ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आप गेमिंग करने लगे हैं कोई ज़्यादा हैवी गेम लाइक RDR2 आप इसके साथ खेलने लगे हैं तो 128 बिट्स आर नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर योर गेमिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि कई जगह आपको स्लटरिंग, लैगिंग और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को फेस करने को मिलेंगी. सो 128 बिट्स इज़ नॉट इनफ फॉर अ ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस. सो ये नंबर 5 के ऊपर ही रहेगा. जहाँ तक प्राइस की बात की जाए तो प्राइस इसकी 8000 रुपीज़ मार्केट के अंदर क्वाइट ईजिली आपको OLX या मार्केट से अच्छी कंडीशन में ऑलमोस्ट अराउंड मिल जाएगा. तो नंबर 4 के ऊपर जो कार्ड है वो है GTX 660, जो कि आता है 2GB 192 बिट्स वेरिएंट के अंदर GDDR5 के साथ और PSU की बात की जाए वो है 450 वाट्स की. मार्केट पावर प्राइजेस की है ऑलमोस्ट अराउंड 9000 रुपीज़, लेकिन ये GTX 750 Ti से बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एज आई टोल्ड यू बिफोर ये सारी गेम्स हैं बिट्स की और ये है 192 बिट्स का और GTX 750 Ti है 128 बिट्स का. तो बिट्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और बिट्स के डिफरेंट के साथ आपको लैगिंग से ही बचोगे, स्लटरिंग से ही बचोगे और अच्छी से अच्छी गेमिंग 60 FPS के फ्रेम रेट्स के साथ कर पाओगे. कार्ड ऑन नंबर 3 इन माय लिस्ट इज GTX 660 Ti. 660 का बड़ा भाई Ti, जो कि आता है 2GB वेरिएंट के अंदर 192 बिट्स के साथ, लेकिन इसकी क्लॉक पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जिससे आप अपनी गेमिंग को मीडियम या हाई से लेके अल्ट्रा तक क्वाइट इजीली खेल सकते हैं. प्राइस डिफरेंसेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट इनके दरमियान ऑलमोस्ट 1000 रुपये का डिफरेंस है, यानी वो 9000 के और ये है 10000 का. लेकिन इस डिफरेंस के साथ आपको साथ ही साथ एक अच्छी फ्रीक्वेंट गेमिंग विदाउट लैगिंग अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर आप हर गेम ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 30 FPS के अराउंड क्वाइट ईजीली खेल सकते हैं विदाउट एनी लैग एंड स्लटरिंग. ऑब्वियसली क्योंकि 10,000 का बजट एक कंट्रोल बजट है तो ऑब्वियसली हर गेम तो अल्ट्रा के ऊपर नहीं चलेगी, लेकिन जितने भी गेम 19 और 20 के दरमियान के हैं वो सब के सब गेम्स आपको 660 Ti क्वाइट ईजीली अल्ट्रा सेटिंग्स या मीडियम टू हाई सेटिंग्स के ऊपर क्वाइट ईजीली चला के देगा. कार्ड इन माय लिस्ट इज ऑन नंबर 2 इज GTX 950, जो कि आता है 2GB वेरिएंट के अंदर 128 बिट्स GDDR5 और जिसकी पावर कंजप्शन की बात की जाए तो 350 वाट्स की है और इसकी मार्केट प्राइस बात की जाए तो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन इसकी क्लॉक पावर और इसकी क्लॉक मेमोरी पावर इज टू मच हाई देन द प्रीवियस 3, तो इसलिए गेमिंग तो भाई साहब इसके ऊपर मस्त मलाई मार के होती है. सो उसकी तो टेंशन नहीं लेनी आपने, हर गेम क्वाइट इजीली आपको अल्ट्रा हाई सेटिंग्स के ऊपर चला के देगा 60 FPS एंड 1920x1080 रेजोल्यूशन क्वाइट इजीली. सो भाई साहब उसकी तो टेंशन गेमिंग की आपने इसके ऊपर लेनी ही नहीं. लेकिन ज़्यादा प्राइस की बात कीजिए तो ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस है, प्राइस इसकी है 10,000 रुपीज़ मार्केट प्राइस और अब हो सकते कि ऑलमोस्ट अराउंड 11K तक पहुंच गई हो, क्योंकि मैंने अभी इसकी OLX पर प्राइस चेक की है तो मुझे 10,000 के अराउंड मिल रहा है बारगेन करके. सो अगर आप लोग ढूंढना चाहें तो आप लोग थोड़ी मेहनत करें तो आपको ये भी मिल जाएगा. लेकिन इफ़ यू आस्क फ्रॉम मी कि NVIDIA के अंदर कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इस टाइम बेस्ट है, तो आई वुड सजेस्ट यू 10,000 के अंदर GTX 950 इज़ द बेस्ट कार्ड टिल नाउ.
NVIDIA के कार्ड्स तो हो गए भाई साहब एक तरफ, लेकिन AMD RX 560 is also not coming slow in my list, जो कि पहले नंबर के ऊपर है, जो कि आता है 2GB और 4GB वेरिएंट के अंदर 128 बिट्स के साथ। इसकी पावर कंजप्शन की बात कीजिए तो 400 वाट्स का PSU के साथ स्पोर्टिंग है ये, और इसकी मार्केट प्राइस भी ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन अब हो सकता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 12,000 तक रीच कर गई हो इसकी मार्केट प्राइस। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट गेमिंग पीसी बनाने लगे हैं तो भाई साहब RX 560 इज द बेस्ट कार्ड। लेकिन पूरी वीडियो को भाई साहब सुनो, RX 560 के अंदर एक फॉल्ट आ रहा है जो कि सुनने में आ रहा है, जो कि मैंने खुद ही अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसका हीटअप इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एज यू नो कि AMD के ग्राफिक्स कार्ड में काफ़ी ज़्यादा रेंडरिंग के इश्यूज हैं और काफ़ी ज़्यादा लैगिंग और स्लिटरिंग के इश्यूज हैं, तो सुनने में यही आता है कि काफ़ी ज़्यादा हीटअप के इश्यूज इसके साथ आते रहते हैं। तो भाई साहब अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो ना, तो ये तो कार्ड फर्स्ट के ऊपर है, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कंफर्टेबल ग्राफिक कार्ड कि आपको फ्यूचर के अंदर तंग ना करे, तो भाई साहब NVIDIA की GTX सीरीज इज द बेस्ट चुमी देखे। सो आई एम जस्ट रमेश टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट दिस। एयर आउट।